आजकल के समय में हर कोई अपनी मनपसंद का इंजीनियर बनना चाहता है। कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वेतन कितनी होती है। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टूडेंट अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा अवसर भी है। इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत से फील्ड है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, पर आप ऐसे फील्ड में ही जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आज हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग के ऐसे ही ब्रांच के बारे में बात करेंगे जो कि अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा स्कोप स्टूडेंट को दे रही है। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने तो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या है? दोस्तों, आज हम बिना बिजली के नहीं रह सकते। बिजली हमारे सारे मशीनों को चलाती है। बिजली हमारे ज़िंदगी को इतना आसान बना चुकी है कि आज हम उसके बिना रह नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बिजली के नए टेक्नोलॉजी और बिजली की थियोरी के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, चाहे वह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, होम अप्लायंसेस, यह सारी चीज़ें बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारे मशीन, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल मशीन, रोबोटिक्स, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको सारे इंजीनियरिंग ब्रांच के विषय के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मर्चेंट नेवी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हब, इन सब जगहों पर आप नौकरी पा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन ब्रांच है, यानी कि इसकी हमेशा लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को प्राइवेट कंपनियों के अलावा सरकारी संस्थानों में भी नौकरी मिलती है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कोर्स की, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कई सारे कोर्स हैं जिसे आप करके एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा जहां से आप किसी एक कोर्स को कर सकते हो। नंबर 1, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कराया जाता है। इस कोर्स के तहत आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन हासिल होती है। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर्स 4 साल का होता है। नंबर 2, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। इस कोर्स को करने के बाद आप जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर्स 3 साल का होता है। नंबर 3, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स की डिग्री मिलती है। एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर्स 2 साल का होता है। इस कोर्स में आपको अपना अधिकतर समय रिसर्च के कामों पर बिताना होता है, यानी कि आपकी ज़्यादातर पढ़ाई आपकी रिसर्च के द्वारा ही होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की योग्यता की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत होती है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा कम से कम 50% के साथ पास करनी होती है। इसके अलावा इस कोर्स में आप 12वीं के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने 12वीं की पढ़ाई मैथ साइंस से की हो तो। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा मैथ साइंस सब्जेक्ट के साथ 50% अंकों के साथ पास करनी होती है। एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करनी होती है। आपको अपनी बीटेक 50% के साथ पास करनी होती है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आखिर कैसे बने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स को करना होता है। आप इन कोर्स को करके ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है।
हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा द्वारा ही अपने कॉलेज में दाखिला देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि डायरेक्ट आपकी 12वीं के अंक के आधार पर कॉलेज में दाखिला दे देते हैं। हमारे देश में एक नेशनल लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके जरिए आप हमारे देश के किसी भी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इस परीक्षा का नाम JEE मेंस है और इस परीक्षा के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आई बटन पर वीडियो लिंक पर क्लिक करें। वहां पर आपको इस परीक्षा की सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस परीक्षा के अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है। इन परीक्षाओं के द्वारा ही आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। बेस्ट कॉलेज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे बेस्ट कॉलेज के नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आपको मालूम चलेगा कि हमारे देश में कौन से बेस्ट कॉलेज है जहां से एक बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। यह सारे हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर कॉलेज है जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। जॉब सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात की जाए तो अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जॉब सेक्टर के बारे में बताऊंगा जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नौकरी मिलती है, तो उनकी भी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जॉब सेक्टर है, बस आपको अपनी पढ़ाई अच्छी से करनी है और इसके बाद आप बहुत आराम से इसके अंदर जॉब कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको नौकरी देगी, पर अब मैं आपको हमारे देश की बेस्ट कंपनीज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लिस्ट दे रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बेस्ट कंपनीज के बारे में जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को वेतन कितना मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को शुरुआत में 30,000 से लेकर 45,000 हर महीने सैलरी मिलती है। फिर जैसे जैसे इनका अनुभव और समय इस क्षेत्र में बिताते हैं इनकी सैलरी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को 8,00,000 तक की भी सैलरी भी मिल सकती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें इन सब के अलावा बहुत सारी और सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि रहने के लिए घर, एक वाहन, मुफ्त टेलीफोन सुविधा और अन्य बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जुड़ी कोई भी प्रश्न या डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।